क्योंकि ये पैसे पाकिस्तान में तो पैसा बहुत है, पहले ही बहुत है करप्शन का पैसा, मजीद पैसे की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये पैसा जो है सिर्फ भर जाएगा, जो 100-200 तो मशीर है उनको भी हिस्सा मिलेगा, लेकिन आपकी रूलिंग एलीट का पैसा है ये जो आएगा, और ये पहला बिलियन डॉलर नहीं है, अभी और भी उम्मीदें हैं इनको। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो आज भी हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमें जी ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब ने। आप सर को सुनते रहते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और बड़ी जबरदस्त किस्म से दबंग तरीके से अपनी बात करते हैं। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और देखने वालों को सलाम प्रणाम, सत श्री अकाल। सर पुराने पाकिस्तान में अगर कोई लोन लेकर आता था तो उसको कहा जाता था कि कटोरा लेके चला गया है और भीख मांग के आए। नए पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोन मिल गया है। क्या देखते हैं सर आप फिर एक बार IMF के सामने? आज जो है वो लंदन और दुबई की प्रॉपर्टियों में हिलजुल नजर आ रही है, क्योंकि ये पैसे पाकिस्तान में तो पैसा बहुत है, पहले ही बहुत है करप्शन का पैसा, मजीद पैसे की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये पैसा जो है सिर्फ भर जाएगा, जो 100-200 तो मशीर है उनको भी हिस्सा मिलेगा, लेकिन आपकी रूलिंग एलीट का पैसा है ये जो आएगा, और ये पहला बिलियन डॉलर नहीं है, अभी और भी उम्मीदें हैं इनको। 3 बिलियन डॉलर तो IMF देगा, फिर और बिलियन चाइना दे रहा है, जिस तरह आपने अगले दिन खुद फरमाया कजाकिस्तान और रशिया। मेरा मकसद है कि आपके कपड़े भी उतार के ये बेच के जाएंगे। और इस वक्त जो आपने तो खैर खुद ही टच कर दिया, मुझे सबसे ज्यादा तशवीश ये थी कि जिस मुल्क के अंदर कर्जे का लोन मिलने पे जब वजीरों की वजीर धमाले डालें, खुशियां मिठाइयां बांटें, तो आप जरा अंदाजा लगाएं कि रोने का मुकाम है, रोने का मुकाम है। और आपके वुजरा ने एक आपके जो जो IMF के वहां पे मुलाजम है त्रीन साहब, आपके शौकत त्रीन साहब, उन्होंने रात को 3:30 बजे ट्वीट किया कि हमारा पैकेज मंजूर हो गया, और लगता है कि उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी पैसों की, सबसे ज्यादा जरूरत उनको थी। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी की किस्तें यहाँ बाकी हो, या हो सकता है जो अमेरिका में उनका घर है उसकी छत लीक हो रहा हो, तो लेकिन ये कि वो उन्होंने किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल किया गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कर्जा लेने पे किस तरह से शहनाइयां बजाई जा रही हैं, अपने मादरे मिल्लत को बेच के किस तरह ढोल बजाया जा रहा है। देखिए मैं आफरीन है भाई, आफरीन। और उसमें जो मैं खास एक जो चीजें उस पर बताना चाहूंगा, शायद दोबारा एक दफा रिवाइज करूंगा कि उनकी शरायत क्या है। उनकी शरायत ये है कि 1 बिलियन अभी दिया है, महंगाई और बढ़ाओगे, चीजें और महंगी करोगे, पेट्रोल और बिजली, तो आप बाकी किस्तें देंगे। जो शरायत अभी तक कई हमारे डिस्क्लोज नहीं करते, IMF की शरायत थी कि टैक्स प्रोटेक्शन बढ़ाओगे तो अगली किस्तें देंगे, तो टैक्स कौन देगा? वो जो हमारे नौरतन जो बैठे हैं टेबल पर कैबिनेट में, वो नहीं देंगे ना, वो तो अजीज है, या अपोजिशन देगी या आप जैसे मेरे जैसे लोग देंगे टैक्स, उनके गिरफ्तार पकड़े जाएंगे, तो महंगाई का फ्लड आएगा जब टैक्स उनसे टैक्स कलेक्शन होगी। दूसरे ने कहा था कि इंपोर्ट को बंद करें, तो इंपोर्ट भी बंद नहीं होगी। देखिए बच्चों ने गाड़ियां BMW नए मॉडल की लेनी होती है, आईफोन चाहिए उनको, उनको प्राडो चाहिए, वो भी बंद नहीं होंगी। तो उनकी शरायत जो थी वो एक तो टैक्स कलेक्शन की थी, इंपोर्ट की थी, और टैक्स कलेक्शन बढ़ाने। तो सर टैक्स तो सर आम आदमी का टैक्स तो खुद ही काट लेते हैं, ये मुझसे पूछा थोड़ी जाता है, बैंक से मेरे पैसे गायब हो जाते हैं। उससे अगली स्टेज पे जा रहे हैं ना, ये तो सिर्फ मुलाजम पेशा लोगों को गिरेबान फाड़ते। आज देखें जो मैं आपको बताना चाहूंगा, खासकर मेरा ताल्लुक जो है वो एक पाकिस्तान के अंदर एक जरी इलाके से है, मैं मंडी बहाउद्दीन एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहां से मेरा इलाके से, मैं अपने दोस्तों अजीजों से अपने रिश्तेदारों से इन टच हूं वहां पे। अगली स्टोरी ये है कि इस वक्त आपकी जो रोटी है वो 30 से 50 रुपए बढ़ जाएगी। वजह उसकी ये है कि इस वक्त मेरे जो फार्मर किसान हैं उनके यूरिया उनको नहीं मिल रही, महंगाई की वजह से और टैक्सेशन की वजह से, और जो फसल इस वक्त खड़ी है गंदम की, उसके एक तो वो हाइब्रिड बीज उनको डाले जाते हैं, हाइब्रिड बीज एक ऐसा बीज होता है अगर उसको यूरिया पूरे टाइम पर ना मिले तो उसकी प्रोडक्शन कम होती है। तो जब गंदम कम होगी
तो जाहिर है आपकी रोटी महंगी होगी। आप किस तरह फीड करेंगे, और आपके हालात कंट्री के ये हैं कि आप एक जरी मुल्क होने के बावजूद आपने गंदम इंपोर्ट की है, अपनी चीनी और गंदम जो है वो स्मगल कर दें अफगानिस्तान में महंगे दामों पे, और फिर महंगे दामों पे अपने कंट्री के अंदर बुला के इंपोर्ट करके तो वो बेची जाए। कोई पॉलिसी एक ऐसी नहीं है जिसके जरिए सोचा जा सके कि आम आवाम को सुकून मिलेगा, रिलीफ मिलेगा कहीं से। हाँ, ये दूसरा जनवरी है जिसमें अंदर आपकी महंगाई रैकेट को टच कर रही है, और अभी तक या तो कैबिनेट को महंगाई नजर ही नहीं आती, तो या फिर कहते हैं कि हम एक महीने के अंदर अंदर खत्म कर देंगे। कभी आज तक दुनिया में आपने कहीं सुना है कि जब प्राइसें बढ़ जाए वो नीचे आए, या आपने कभी सुना है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई कब की गई है? डॉलर आपका 200 को टच कर रहा है, और करेगा टच बिल्कुल इन दिनों में जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? दवाइयां कहां से आप लेंगे? आप उसकी जरूरत है जिंदगी कहां लेंगे? यूरिया के अंदर भी सुना है जो केमिकल डाला जाता है वो बहुत महंगा हो चुका है, नापैद है, मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से यूरिया जो है वो नहीं मिल रहा, और स्मगल भी हो रहा है आपकी खाद यूरिया। लेकिन इसमें इस वक्त जो है कहते हर शाख पे उल्लू बैठा है, और वो बस ये इसी तरह हो रहा है। हर सब अच्छे की रिपोर्ट है, कर्जे मिलने पे जब आप शनाइयां बजाएंगे, जश्न मनाएंगे आप कर्जे मिलने पे, तो उस कौम की जहनी हालत जरा देखें कि उसको किस तरह, कौम तो नहीं मैं कहूंगा रूलिंग एलीट, कौम तो कर माशाल्लाह ख्वाब देखा था उन्होंने तब्दीली का, कौम तो चाहती है आगे जाए, लेकिन ये कि उनके ऊपर एक ऐसा साया है रूलिंग एलीट का, एक ऐसी अलायंस का कब्जा है जिन करप्शन की अलायंस का, उनकी कोई पार्टी, उनकी कोई कौमियत, उनका कोई मजहब और खौफ खुदा नहीं, और वो जो एक रजीम है पता नहीं वो किस तरह जान छूटेगी इस वक्त, खुदा की जात है ना वो हमारी बद्दुआएं सुन रहा है ना दुआएं सुन रहा है। 74 साल से अपने मादरे मिलत के कपड़े फाड़ रहे हैं, लेकिन शर्म हया नहीं। सर इमरान खान ने तो कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा, किसी भी मुल्क से कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन वो इसी तरह से चलते जा रहे हैं। लेकिन सर जिस मुल्क में आप जानते होंगे आज बलूचिस्तान में किस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, और हमारी फोर्सेस के ऊपर भी बहुत बहुत कुछ नुकसान हुआ है, आज भी हुआ है और 6 दिन पहले भी हुआ था, ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क में एक तरह की इमरजेंसी नाफिज की गई है पाकिस्तान में बलूचिस्तान पे जो कुछ हो रहा है टैक्स हो रहे हैं उसकी वजह से, ऐसी सूरत में प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना गए हुए हैं वहां पे कोई गेम्स देखने और पैसे पकड़ने, और जो प्रेसिडेंट है हमारे वो वीडियो गेम खेल रहे हैं, उनका ट्विटर पे ऊपर आ रहा है कि जी वो इस पता नहीं कौन सा वीडियो गेम है उस पे लगे हुए हैं। तो ये किस किस्म के लोग हैं, क्या इनकी जहनी, इनका मतलब ये आप समझते हैं जहनी हालत ऐसी है कि इनको कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बना दे किसी कंट्री का? आप एक बात तो भूल गई हैं कारजू, जो जिस तरीके से हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अगले दिन नेशनल असेंबली में जो तकरीर की है वो एक एक एक, एक मैच्योर सियासतदान को सूट करते हैं वो अल्फाज, जिस और फॉरेन मिनिस्टर आपका आपके कंट्री का आईना होता है, एक इतनी मुदब्बर और इतनी मैच्योर वो पोजीशन है उस पे उन्होंने आके मुल्तान की सियासत, मैं हमेशा ये कहता था कि आप कंपेयर करें हमारे कुरैशी साहब को डॉक्टर जयशंकर के साथ, देखे सर डॉक्टर जयशंकर कभी आपको नजर नहीं आएंगे लोगों के बाल काटते हुए, इनकी वीडियो है मेरे पास आप हमारे वाले की। मैं डॉक्टर जयशंकर को मिला हूं पर्सनली, उनको जानता हूं, उनकी मिसेज जापानीज हैं, देखिए क्योंकि ही इज अ कैरियर डिप्लोमेट, वॉशिंगटन DC एरिया में बड़ी अच्छी रिपोर्ट छोड़कर गए वो। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा, ये मेरा क्वेश्चन, मैं जवाब नहीं दूंगा, कुरैशी साहब का कंपैरिजन डॉक्टर जयशंकर से करें, और खासकर ये तकरीर सुनने के बाद नेशनल असेंबली आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं कंपेयर भी नहीं करूंगा, क्योंकि यही हर 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 हमारी शाख पे हर मिनिस्ट्री पे यही बैठा है। मैंने तो बल्कि आपको अगले दिन ये भी कहा था कि हमारे इस वक्त जो निजात दहंदा थे इनके वजीर बे महकमा जो है उनको भी 2800-2800 CC की गाड़ियां दी उन्होंने, पर पहले आके फिर प्राइम मिनिस्टर की भैंसे, प्राइम मिनिस्टर उसकी भैंसे बेचने का क्या ड्रामा रचाया, क्यों रचाया गया गाड़ियां बेचने का ड्रामा, क्यों रचाया गया फिर महंगी गाड़ियां आपने खरीदी। लेकिन कौम को धोखा झूठ। देखिए रियासत मदीना, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का अगले दिन हुआ है आरजू के फरमाया हमारे जो अमीरुल मोमिनीन है उन्होंने कहा कि मदीना की रियासत के भी पहले 5 साल जो थे वो गुर्बत में गुजरे। अच्छा ये खबर इनको किसने दी, ये इनको कहां से पता चला, पता नहीं उस जमाने में थे। मैं समझता हूं कि वो कहते हैं वो बिल्कुल कौम के लिए मदीना की रियासत है, वो कहते हैं 2 खजूरें और 1 प्याला पानी पी के गुजारा किया करो, पेट पे पत्थर बांधो,
हमारा फ्यूचर तो लंदन में है, दुबई में है, हम तो पैसे लेके ये बिलियंस लेके उड़ जाएंगे, पीछे तुम्हारे पेट पे पत्थर होंगे, तुम जानो तुम्हारा पाकिस्तान जाने। और वही हो रहा है, वही हो रहा है। मैं इस पे दुख का इजहार है कि आज IMF का पहला बिलियन मिलने पे जो आपकी एलीट ने जो भंगड़े डाले हैं, वो इस्लामाबाद में एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई हैं, वो कहते शर्म इनको मगर नहीं। एक बार फिर वही कॉर्नर के प्लॉट और वो सब कुछ शुरू हो जाएगा। लेकिन सर साथ साथ ये भी है कि जो ये लेते चले जा रहे हैं, इसको वापस करने के लिए इनको मजीद क्या क्या मॉर्गेज करना पड़ेगा, चाहे मोटरवेज हो, बिल्डिंग्स हो, एयरपोर्ट्स हो, सभी कुछ तो ये दे चुके। आरजू, मैंने सारी कैलकुलेशन की, हालांकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, ये जो कुछ भी लिया जा रहा है ये वापस करने के लिए नहीं दिया जा रहा। इस ये जो जितना पैसा लिया जा चुका है, पाकिस्तान सलाहियत ही नहीं रखता इसको वापस करने की। चाहे आप चाइना, पूरा पाकिस्तान बेच दें चाइना के सामने, फिर भी यहां से कुछ नहीं निकलेगा। देखिए, तो क्यों ले रहे हैं सर, वो देते क्यों जा रहे हैं? वो देखे, वो इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। चाइना जो है वो जो काम करता है अपना इंटरेस्ट लेता है और फिर रिकवर करता है। आप एसेट्स देंगे उनको, आप ग्वादर और कराची उनके हवाले करेंगे, वहां पे अपने वो चीजें बनाएंगे। आपने शुरू तो कर रखा है, बैंक ऑफ चाइना की ब्रांचें तो खोल रहे हैं आप, हर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप चाइना की जबान तो सिखा रहे हैं, आप सारा कुछ ये करेंगे। और ये जो हमारी रूलिंग एलीट है, इनके बच्चे, मुझे आरजू किसी दिन आप प्रोग्राम करें कि रूलिंग एलीट कोई ऐसा मुझे इंसान दिखाए जिसके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हो। सबके लंदन पढ़ते हैं, सबके कैनेडियन सिटीजनशिप हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, कोई किसी के, अब तो जिस आप तबके बात कर रहे हैं कि कॉर्नर के प्लाट लेंगे, ये जो इस वक्त हमारे जो नौरत्न बैठे हैं, ये प्लाट पाकिस्तान में नहीं लेते, इन्हें पता है कि हमने वन वे टिकट में भागना है और वापस नहीं जाना। सर ये तो आप सर ज्यादा मशीर तो ऐसे हैं, इनको किराने की दुकान वाला उधार नहीं देता मोहल्ले में, काउंसलर क्या बनना है इन्होंने? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे सर। ये तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो चाइनीज मूवीज देखना शुरू कर दे। ये बात भी चल रही है कि जी चाइनीज फिल्में लगाई जाएं और लोग चाइनीज जबान की मूवीज देखा करें, ये बात भी कर रहे हैं। लेकिन सर मैं अगर बलूचिस्तान की बात करूं, जिस तरह से वहां पे अटैक हो रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपके ख्याल से ये सब कुछ क्या हो रहा है, और हमारे सदर हो या वजीर आजम हो, उन्हें कोई परवाही नहीं? आरजू, आप बलूचिस्तान की बात करते हैं, मैंने अगले दिन ग्वादर के बारे में पढ़ा। आपके ज्यादातर पाकिस्तानियों को ये नहीं पता ग्वादर के अंदर बिजली कहां से आती है, ईरान से आती है। पानी पीने का उनके पास नहीं है। आपके वहां पे फिशिंग, जो उनकी माहिगीर थे बेचारे, सदियों से नस्ल दर नस्ल मछलियां पकड़ रहे थे, अब वो चाइनीज ट्रेलर्स को आपने लाइसेंस दे दिया, मछलियां वो पकड़ के ले जाते। वो चीखते हैं कि अब उनके दिन में 5-5 दफा चेक पोस्टों पे उनको गुजरना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी। वहां पे उन्होंने कहा है हमें ईरान के साथ तिजारत के लिए हमें अलाउ किया जाए, क्योंकि उनके पास मार्केट प्लेस ही कोई नहीं है जहां वो मछलियां बेच सके या चीजें खरीद सके। तो आप पाकिस्तान के हिस्सा है वो, पाकिस्तान उनके उनको जस्टिफाई क्यों नहीं करते? वो महीनों से धरना देके बैठे हैं वहां, अभी अच्छा उनके साथ वादे करते हैं, उनको यकीन नहीं है कि वादे पूरे करेंगे। हालात आपने ये कंट्रोल, दुनिया तो आपको कहती है कि आप डबल गेम प्ले करते, पाकिस्तान के अंदर लोग आपके एतबार नहीं करते। TLP के साथ जब ये नेगोशिएट कर रहे थे, वजीराबाद में बैठे थे, TLP को एतबार नहीं था अपनी गवर्नमेंट पे, वो कहते थे हमारे लोग छोड़ोगे तो हम यहां से उठेंगे। ये रिप्यूट अंदर आपके, हमारे करेक्टर्स ये है, इतना लोगों का एतमाद अपनी गवर्नमेंट पर है। लेकिन ये कि बस वो, मैं अफसोस की बात है, मुझे ये दुख हुआ है कि शौकत तरीन साहब उस रात के 3:30 बजे बैठे हुए थे, पाकिस्तानी 3:30 बजे इंतजार कर रहे थे कि IMF का जो पैनल है वो ग्रीन सिग्नल दे ताकि वो उनका गुलशन का कारोबार चले। और इसी तरह के लोगों की वजह से सर आज हमारा ये हाल हुआ है। लेकिन सर साथ साथ इन्होंने ये भी हमने देखा कि मिसिंग पर्सन के लिए एक बिल लाया जा रहा था, जो बकौल शीरी मजारी के वो बिल ही खो गया, मतलब बिल ही गायब हो गया, बिल ही मिसिंग हो गया। आरजू, मैं इस पे मिसिंग पर्सन्स पे मैंने बहुत रिसर्च की है, बहुत देखा है, बलूचिस्तान पे बहुत रिसर्च मैंने की है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि बस अब सिर्फ एक दुआ है, मैं समझता हूँ कि हमें कोई पाकिस्तानी लीडर ऐसा मिले, लीडरशिप का फुकदान है इस वक्त, करैक्टर का फुकदान है, करैक्टर कोई नहीं है। हम लोगों ने ख्वाब देखे थे तब्दीली के, इसमें कोई शक नहीं है, मुजरम है। लेकिन जिस कंट्री के अंदर इंसाफ की तहरीक भी फेल हो जाए, वहां पे क्या तो की जा सकती है? इन्होंने बड़े वादे किए हमसे, मेरी टीम बैठी है, मेरी वो टीम बैठी है, मैं ये एक्सपर्ट लेके जा रहा हूँ। इसमें ज्यादातर कसूर यहाँ पे
अमेरिकन और ब्रिटिश पाकिस्तानी मुस्लिम्स का भी है, फिर वही बात आ जाती है, वो अपने मुफादात के लिए ये टूटी फूटी मिनिस्ट्रियां ले लेते हैं, चार दिन गाड़ी झंडे वाली गाड़ी भगा लेते हैं, लेकिन देखें और वही हमारे डायस्पोरा की हालत है यहाँ पे, हम वी आर वे फार अवे फ्रॉम नेशनलिज्म, कौमियत नहीं है, यूनिटी कोई नहीं है, तालीम का फुकदान है, शऊर नहीं है, 74 साल से इतना बड़ी ट्रेजेडी है, जहां भी देख लें आप कोई कोई निजाम नहीं है, कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है, हर लीडर जो है फौज तैयार करके वो भेजती है इंक्लूडिंग भुट्टो साहब, लेकिन कोई अच्छा फिर मैं अच्छा आरजू जो मुझे तकलीफ है कि ठीक है फौज तैयार करके भेजी, बोले फौजी भी तो पाकिस्तानी है, देखिए या तो कहना फौजी सारे फ्रेंच है, फौजी भी तो पाकिस्तानी है, वही को अच्छा अच्छा काम कर ले, वही किसी अच्छे लीडर। लेकिन सर ये देखिए ना कि इन्होंने जो है वो एजुकेशन की आपने बात की, एजुकेशन का क्या हाल किया हुआ, पहले कहते हैं कि जी बच्चे जो हैं वो टोपियां पहनकर आए, बच्चियां स्कार्फ लेकर आए, अब कहते हैं कि पंजाब में उन्होंने ये कह दिया कि प्राइवेट कॉलेजेस में को एजुकेशन पे बैन लगा दिया, अब ये किस तरफ जा रहे हैं, तालिबान की तरफ तरह काम करने लगे हैं, क्या इनको हो गया है? देखिए मेरी जो देखिए दीवार पे लिखा जा चुका है, फजलुर रहमान साहब का जीतना केपीके में और आपके यहाँ पे टीएलपी की सीटों की एडजस्टमेंट होना और उनका एक एक सियासी ताकत बन के उभरना और उनको एक्नॉलेज करना, वो जो आप बात करेंगे उनको एक्नॉलेज किया गया है, उनको रिकग्नाइज किया गया है और उनको आगे मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है, आप योर डायरेक्शंस आर गोइंग टुवर्ड्स सोमालिया एंड अफगानिस्तान, आप उस साइड पे जा रहे हैं, और मैं सर इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी फौजी हुकूमतों का भी रहा है, जो ये मिलिट्री डिक्टेटर्स आए हैं इन्होंने भी तो मुल्क को नुकसान किया है, नहीं उस आरसू वो भी तो पाकिस्तानी है, या तो बताएं फ्रेंच थे वो या बताएं वो ब्रिटिश थे, लेकिन सर फौज का काम गवर्नमेंट चलाना नहीं होता, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ 100% एग्री करता हूँ, लेकिन देखें अगर वो इतने डीपली इन्वॉल्व हो चुके हैं लेकिन है तो पाकिस्तानी, पाकिस्तान का क्यों नहीं सोचते, आज जिस डेडलाइन पे डेड एंड पे आ गए हम, आज क्यों नहीं सोच रहे कि हम आगे कहां जा रहे हैं, तो पाकिस्तानी जो भी सिस्टम है, चले माजी को मैं समझता हूं कि माजी बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि जो माजी ना हो तो मुस्तकबिल भी उसी के बेस पे आपने आपने देखना होता है कि आगे इसका मुस्तकबिल क्या है, लेकिन ठीक है फ्रंट अगले शीशे को देख के गाड़ी चलानी होती है, मैं कहता हूं पिछला अब क्या देख रहे हैं, अयूब खान ने जो कुछ किया कर गया, वो कंट्री के दो टुकड़े हो गए, क्या हो गया उसके, चले आगे चले, लेकिन ये बताएं कि आज से आगे कहां जाएंगे आज, लेकिन सर अगर हम नवाज शरीफ से पूछ सकते हैं, जरदारी साहब से पूछ सकते हैं पैसा कहां से आया, तो हम आसिम सलीम बाजवा से क्यों नहीं पूछ सकते, हम अशफाक परवेज कियानी से क्यों नहीं कह सकते तुमने कहां से एयरलाइन खरीदा, आरजू उसका मैं बताना चाहूंगा कि पूरे का पूरा पाकिस्तान ही करप्शन में डूबा हुआ है, पूछे किस तरह, वो इस तरीके से जुडिशरी का कहें साहब तो वो कहते हैं हमारा जुडिशियल कमीशन है, जिस डिपार्टमेंट वो कहते हैं जी हमारी तो इंटरनल है, आर्मी को देखें तो वो कहते हैं हमारे अपने अपनी कोर्ट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना उन्होंने एक ऐसा एहतसाब का ड्रामा रचाया हुआ है कि जो चल नहीं रहा, यही तो एहतसाब की कमजोरियां हैं आपकी, देखिए सियासतदानों के केसेस अदालतों में ले जाए जाते हैं तो क्या अदालतें कौन सा इंसाफ दे रही हैं, अदालतें भी तो फिर वो कहते हैं मैनेज्ड है, तो फिर देखिए ना ये अगर आप कहें कि एहतसाब आपका नैब काम कर रहे हैं, सिर्फ सियासी इंतकाम, आपने नैब को सिर्फ बना रखा है अपोजिशन के लिए, मेरी जो बात मैं कहता हूं कि हर चीज के फेल होने के पीछे कौमियत, नेशनलिज्म कोई नहीं, किरदार की कमी, अब जब तक किरदार प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक आप कौमियत प्रमोट नहीं करेंगे, लोगों को कुरान के तर्जमे नहीं सिखाएंगे, लोगों को इस्लाम का ओरिजिनल आप फिलॉसफी नहीं सिखाएंगे, इनको टॉलरेंस नहीं सिखाएंगे, इस्लाम का मतलब इनको बताएं पीस है अमन है, जब तक इन चीजों पे अमल नहीं करेंगे ये नहीं हो सकेगा, ये तो फिरकाबंदी करके तो इस पे आप डिवाइड करके फिरकों में तो आप उसके ऊपर रूल करना चाहते हैं, एक बहुत पुराना हथकंडा आप इस्तेमाल मुसलसल करते हैं, नए नए फिरके खुद बनवाते हैं, खुद ही उनको प्रमोट करते हैं, ये अच्छी बात नहीं, ये आपका रिलीजन आपको नहीं सिखाता, इसीलिए बेरा रवी है, यही हमारे सोसाइटी के इस वक्त अलमियात है कि अपने बच्चे सारे लंदन और न्यूयॉर्क और कैनेडियन सिटीजनशिप और पाकिस्तान में सिर्फ आना ढाका मारना भाग जाना ढाका मारना भाग जाना, ये आज से नहीं हो रहा, बड़े अरसे से हो रहा है। लेकिन सर हमें अगर बांग्लादेश की एग्जाम्पल हम लें, बांग्लादेश ने जो है वो फौजियों को उन्हें उनकी बैरिक तक रखा है, मौलवियों को उनके मदरसे या उनकी मस्जिद तक रखा है और वो इंटरफेयर नहीं करते गवर्नमेंट के अंदर,
तो यहाँ पे भी अगर उसी किस्म का सिस्टम लाया जाए कि जिसका जो काम है वो करे, हर कोई आके गवर्नमेंट में ना ना इंटरफेयर करे, चाहे वो मुल्ला हो चाहे वो फौज हो। बांग्लादेश के बारे में तो खैर मैं समझता हूँ इनको, मैंने वो जिस तरह आपको बताया था जवेद चोरी साहब का एक आर्टिकल था, काश मैं बंगाली होता, वो भी पढ़ने वाला है कि किस तरीके से उन्होंने तरक्की की है। उसके बाद आप ये देखें कि इंडिया, भारत की मिसाल ले लें, आपके साइज में आपसे बहुत बड़ा है लेकिन करप्शन पे नंबर 85 पर है। एक और अभी मैं आपको टीजर देना चाहूंगा ब्रेन के लिए कि आप उनका, आप बिल्कुल चार सूबे हैं आपके, इंडिया का साइज देखें, स्विस बैंकों में आपका करप्शन का पैसा पाकिस्तानियों का ज्यादा है। अब हर चीज में नंबर काटते हैं उनका, लेकिन अकल में तरक्की में नहीं काटते। आज मैं इंडिया के बजट की पढ़ रहा था, किस तरीके से वो आईटी की एजुकेशन को आगे प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके से यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे क्या कर रहे हैं। हमारा प्रायोरिटी क्या है, बिलियन डॉलर आ गया, दमादम मस्त कलंदर। लेकिन सर लेकिन सर सारी दुनिया में जो कंट्रीज है वहां पे बजट बनता है आम लोगों के लिए और उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो फौज को दिया जाता है। पाकिस्तान में सारा बजट बनता है फौज का और उसमें से कुछ निकाल के पब्लिक को दे देते हैं, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो भी लेकिन उसमें मेरा है, वो भी हमारे बहन भाई है, देखिये हमारे कजन, हमारे रिश्तेदार है फौज में भी, कौन सा फ्रेंच है वो। लेकिन बात ये है कि कभी सोचा है किसी ने पाकिस्तान के लिए भी सोचा 10 मिनट? मैंने आपको बताया है कि इस वक्त आपका बिलियन डॉलर आया, प्रॉपर्टी डीलर जो है उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी लंदन दुबई और कनाडा। तो ये सर हमारी फौज प्रॉपर्टी डीलर भी तो है सर, हमारी फौज जो है वो बहरिया टाउन और किधर किधर पैसे फंसा रखे उन्होंने, कोई आर्मी चीफ हमारा पाकिस्तान में नहीं रुकता रिटायरमेंट के बाद, चले जाना है बहरिया टाउन। नहीं है, मुझे ज्यादा शर्मिंदगी थी, शादी हाल भी बनाए हुए हैं। मेरा मकसद है अब जब फौज शादी हाल बनाए तो मैं अब क्या कहूं, मैंने फिर भी पाकिस्तान जाना आना होता है, मैं ज्यादा चीजें क्या करूंगा हरसू। लेकिन ये कि कभी आपने देखा है कि किसी फौज के मिलिट्री के किसी दुनिया के शादी हाल चला रहे हो? बिल्कुल। इस पे फिर क्या करें, ये फिर पाकिस्तान, मैंने बताया कि हर चीज में आप आगे हैं, हर चीज में आप आगे हैं, सिर्फ ये कि आपके अंदर कौमियत और खौफ खुदा कोई नहीं है, बाकी आप हर चीज में यू आर मेकिंग रैकेट्स ऑफ इट। लेकिन सर कोई हल है, सिर्फ एक आप कह रहे हैं सिर्फ कोई लीडर ऐसा चाहिए जो पाकिस्तान का सोचे, लेकिन कोई हल है कि ये अपनी इकोनॉमी को कम से कम ठीक कर पाए, जिससे ये बार बार लोगों के पास मांगने के लिए ना जाना हो, कुछ तो तरीका होगा जिससे इकोनॉमी को खड़ा कर सके। देखिए अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंस आरजू, हमेशा सोसाइटी को जब तश्कील दिया जाता है, जिस सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का सही नफाज ना हो, वहां पे करप्शन एक मामूली, ये इसका अल्टीमेट रिजल्ट है उसका। जहां सजा जजा सोसाइटी में ना हो, जहां लॉ एंड रिस्पेक्ट की वैल्यू कुछ ना हो, अदालतें जो है वो बिक रही हो, पुलिस जो है वो बिक रही हो, हर इंडिपेंडेंट, अब तो यहां तक खबरें आ रही हैं डीसी में कि आपके डिस्ट्रिक्ट बिक रहे हैं अपॉइंटमेंटों में, तो वहां पे करप्शन तो फिर आप पर। फिर दूसरा एक और बड़ी बात, आपने अखलाकी तौर पे करप्शन को अपना एक्सेप्ट कर लिया है। जब हर बच्चा जो पढ़ा, मैं जब जवान हो रहा था तो हर बच्चा जो था वो कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि उस वक्त उसमें लुक्रेटिव था डॉक्टर बनने। अब आपका हर पढ़ा बच्चा क्या कहता है, वो कहता है एसपी बनूंगा, एसी बनूंगा। कभी किसी ने कहा मैं टीचर बनूंगा? कभी किसी ने कहा है कि मैं जहाज उड़ाऊंगा? कभी किसी ने कहा है मैं ये? सिर्फ कहते हैं मैं एसपी बन के और असिस्टेंट कमिश्नर बन के कौम की खिदमत करूंगा, क्योंकि उसमें खाबे हैं, उसमें लूट है। ये आपने अखलाकी, आपने इकदार ही खत्म कर दी, मोरालिटी, मॉरल्स। मैं हैरान होता रहता हूं कि मैं स्टोरियां, मैंने कुछ कुछ ऐसे लोग हैं आटे में नमक के बराबर जो अभी भी करेक्टर अपना मेंटेन करते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन आप बड़ी सफाई के साथ उनके खिलाफ एक 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 ग्रुप बना के उनको सफाई से आप सोसाइटी से निकाल लेते हैं। मैंने खुद कई दोस्त अपने देखे पाकिस्तान में जो ईमानदार अफसर थे, उनको कहा जाता है ये बुजदिल है, ये बुजदिल है, कहते हैं ये बेवकूफ है, ये बुजदिल है। तो जब आप एक ईमानदार आदमी को बुजदिल कहेंगे, उसको सोसाइटी अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो फिर यही होगा जो आज पाकिस्तान। इसलिए कि पाकिस्तान में ये पूछा नहीं जाता कि पैसा कहाँ से आया, शायद बाकी दुनिया में जरूर पूछा जाता होगा, अगर कोई गाड़ी ले ले, कोई मोबाइल ले ले, कोई और चीज प्रॉपर्टी ले ले, पाकिस्तान में बस पैसा होना काफी है, उसके बाद कोई सवाल नहीं होता।
आप पूछेंगे, आपसे आपसे वो पूछेंगे, आप जो आम बंदा है उसके गले मुंह के अंदर हाथ डाल के उसमें से खाना निकालेंगे? ये अपोजिशन के लिए कानून टैक्स के बनाए जा रहे हैं, आम आदमी को मारने कूटने के लिए महंगाई और तसाद, ये उन्हीं पे होगा जो टेबल पर बैठे हैं, जिनके हाथ पड़ते हैं, जो एक रूलिंग एलीट है, उनके रिश्तेदारों को उनको टैक्स मुबर रहा है। अभी जो आपके लिए नई चीजें तैयार की जा रही है वो सिर्फ जो जो एक अंडर प्रिविलेज लोग जो एक पहले मर रहे हैं बेचारे बुरे हालात। मैंने तो कल एक किसान की स्टोरी सुनी है, जब जो यूरिया के लिए जलील हो रहा है दरबदर, और जब उससे मैंने पूछा, डिस्कशन की, और उसने कहा जी देखें आगे रोटी लोग किस तरह खाएंगे, रोटी तो 30 से 50 रुपए तक जाएगी, आगे ये किस तरह लोग खाएंगे, जब गंदम ही नहीं होगी तो खाएंगे घास। इस्लामाबाद में तो इस्लामाबाद लाहौर कराची में तो कहते हैं ना रोटी नहीं मिलती तो केक खा ले आप, तो दूसरा पाकिस्तान क्या खाएगा 22 करोड़ पाकिस्तान। सर ये तो 10% लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, शायद 10% से भी कम, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ और मंगा लेंगे, फिर ऑर्डर कर देंगे, फोन कर देंगे, लेकिन मेजोरिटी तो ऐसी नहीं है। लेकिन आपको लगता है सर, लास्ट में मैं यही पूछूंगी, क्या लोग आपको लग रहा है बाहर निकल आएंगे, कोई टर्की जैसा कुछ हमें देखने को मिलेगा कि वहां पे जिस तरह का एक हंगामा मचा था और एक कहना चाहिए इंकलाब आया था, क्या कोई इस तरह की चीज होती नजर आ रही है? उसके इसके बारे में ये कहूंगा कि जिस वक्त परवेज मुशर्रफ दौर में इफ्तिखार चौधरी साहब का एक हादसा हुआ था, वो रिजाइन वाला, कौम सड़कों पे निकली थी लेकिन उसको क्लोजअप नहीं दिया जा सका, उसकी क्लोजिंग नहीं हो सकी। इस वक्त जो अब इस वक्त सर्कमस्टांसेस है, इसमें गुर्बत इतनी बढ़ चुकी है प्रैक्टिकली कि लोग सकत ही नहीं रखते सड़कों पर। अब वो गुस्सा किस में निकालते हैं? बच्चे चोरियां डाकों में चले जाते हैं, नशों पे लग जाते हैं, मुजरम बन जाते हैं, रिश्वत के तो रेट बढ़ जाते हैं, वो तो चले ठीक है, इंडस्ट्री वाले वो भी चला रहे हैं, लेकिन जो बच्चा है बाहर, जो बेरोजगार है, जो मास्टर डिग्री करता है और उसको नौकरी नहीं मिलती, और साथ आपका एमपी या एमएनए आता है 10-10 करोड़ की गाड़ियां 6-7 लेकर क्लाशनकोफ है, वो जब देखता है तो एक अल्टीमेटली रिबेलियन सोच तो होती है, लेकिन वो बेचारा कर कुछ नहीं सकता, फिर वो नशों पे जाता है, डाकों पे जाता है, पुलिस के साथ मिलता है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ, फिर आपके साथ अब आजकल आपके चल रहा है जिस तरह आपके मिनिस्टर साहब ने, दहशतगर्दी अब तीसरी चीज सामने आ रही है, आपके करप्शन के बाद, बेरोजगारी के बाद दहशतगर्दी फिर वापस आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया, हमने इसको क्लोजर इसको सही तरीके से नहीं दिया। इस वक्त ना सिर्फ इंटरनेशनल चीजें जो है वो दुनिया के लिए खतरात हैं, जिस तरह यूक्रेन के अंदर है, दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर और लीडरशिप का फुकदान दुनिया में भी है, पाकिस्तान के अंदर भी वही हालात चल रहे हैं, लेकिन इस पे दुआ खैर ही हो सकती है, दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरियां करें, पाकिस्तान को मुहिब वतन लीडरशिप मिले, लोकल लीडरशिप मिले, ये जो इम्पोर्टेंट है ये बाहर से गए हुए हैं, अल्लाह ताला इनको भी खैरियत से वापस ले आए, अपने अपने लूट मार का फैसला इंजॉय करें। लेकिन सर जाते जाते एक चीज और, आज सलीम साफी जो हैं वो आ रहे थे, सलीम साफी साहब टीवी पे उनका एक शो आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को हटाने की तैयारी हो गई थी, पीएमएलएन काफी हद तक तैयार थी कि शायद उनको रिप्लेस किया जाएगा, और वो स्टैब्लिशमेंट यानी फौज के पांव में बैठने को तैयार ही थे कि इमरान खान जाके फौज के पांव में लेट गए, तो इस वजह से वो फिर बच गए, ये अल्फाज उन्होंने एग्जैक्टली इस्तेमाल किए। और मैं भी एक दो एंकर्स के बारे में पढ़ रहा था, नजम सेठी साहब ने कि मैंने अगले दिन एक उनका एक प्रोग्राम सुना, उसमें भी उन्होंने कहा कि अभी एक जो हादसा एक जो चेंज आने आते आते बच गई, और दोबारा थोड़ा बहुत जो जिस तरीके से अगले दिन जो आपके बिल को मैनेज किया गया स्टेट बैंक को, और इस तरह दोबारा उन्होंने उसमें अंदिया दिया था कि वो खान साहब नहीं थे उसमें कुछ और अवामल थे जिन्होंने उस बिल को पास करवाया, और वो सपोर्ट अब दोबारा थोड़ी बहुत दोबारा आनी शुरू हो गई है। देखें कुछ सोच समझ के उन्होंने किया होगा, लेकिन मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि आगे किस तरह जाएगा। और मैं जो मेरा एहतजाज आज के आपके प्रोग्राम में ये था कि $1 बिलियन आना नहीं मेरे लिए था इतना अफसोसनाक, जितना उस पर सेलिब्रेशन जो की गई वो मेरे लिए पेनफुल था, कि एक ऐसा माइंड सेट है कि आप कर्जा लेकर खुशियां मना रहे हैं, और आपको पता है कि ये आप पे असर नहीं होगा, आपने तो इसको इसी पैसों को लेकर बाहर आ जाना है, लेकिन अवाम जब महंगाई करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, बिजली के रेट बढ़ाएंगे, पेट्रोल के रेट बढ़ाएंगे, तो गरीब आदमी जिसकी 20,000 तनख्वाह है, 25,000, उसकी चीखें निकलेंगी। मैं उनके लिए चीखता हूँ, मैं एलीट क्लास में ना, मैं खुद एलीट क्लास का हिस्सा हूँ, ना मेरी ख्वाहिश है और ना मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मेरी पार्टी का नाम पाकिस्तानियत है,
मैं पाकिस्तान के लिए रोता रहूंगा, चीखता रहूंगा जब तक जिंदा हूं, क्योंकि मेरे लिए दुख है। मैं मुझे मुहाजर करके निकाला गया है, मैं एक रिजेक्ट हूं उस कंट्री का, मैं दो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज लेकर एक तीसरे मुल्क की तरक्की का बायस बन रहा हूं, यही मेरा अलमिया है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मेरी ये मॉरल ड्यूटी है कि मैं अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराता रहूं, और कर नहीं सकता तो बोलता उसके खिलाफ जरूर रहूं। और मेरा मैं समझता हूं ये मेरी सारी की सारी एफर्ट जो है करप्शन के खिलाफ, और अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। पाकिस्तान के नौजवान का दुख मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठ कर समझता हूँ, काश को पाकिस्तान या इस्लामाबाद में भी उनके दुख में शरीक होता, जो एक साइकिल पर चल रहा है जिसकी 20,000 तनख्वाह है उसका दुख भी बांटने की कोशिश करता। बिल्कुल सर, और यहाँ पे एक आम सी सरदर्द की जो मेडिसिन होती है पैनाडोल, वो तक नहीं मिल रही, ये हाल हुआ हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का यहाँ पे क्या बुरा हाल हुआ हुआ है, और किसी को कोई परवाह नहीं है। आने वाले अभी और मजीद अबतर होने वाले हैं, क्योंकि डॉलर 200 तक जाएगा, क्योंकि IMF और जिस तरीके से इन्होंने अगले दिन टैक्स मनी एक्सचेंजर पे भी इन्होंने टैक्स लगा दिया 17%, और जाहिर है वो 17% उन्होंने लोगों से लेना है आगे। तो जिस तरह ये टैक्स की कलेक्शन आम लोगों से जबरदस्ती करेंगे, उसी तरीके का इन्फ्लेशन का एक और फ्लड आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट का एक और फ्लड आएगा, क्योंकि ये बिलियन डॉलर जो है ये तो सिर्फ बाहर के लिए, इनकी प्रॉपर्टीज के लिए, इनके बच्चों के लिए, तालीम के लिए, उनके लिए है, पाकिस्तान के लिए नहीं। मुझे ये बताएं जो 22 पहले प्रोजेक्ट हो चुके हैं IMF के, उनके इन्होंने कौन से पुल बनाए हैं, कौन सी सड़कें, सड़कें तो कोरिया ने बनाई है आपकी, दूसरी सड़कें तो चाइना बना रहा है, आज तक आपने कौन सी सड़क बनाई? मेरी समझ से ये बात, मेरी एक क्वेश्चन है आरजू, आपकी जितनी लेबर है वो मिडल ईस्ट के अंदर सड़कें और बिल्डिंगें बना रही है, और आपकी सारी सड़कें चाइनीज और कोरियन बना रहे हैं? सोचें जरा गौर से। सर यही पैसा लेने की आदत पड़ चुकी है, और इसी वजह से हमारे लीडर्स हों या एस्टेब्लिशमेंट हो, किसी को शर्म अब नहीं आती कि पैसा मांगते भी शर्म नहीं आती। लीडर नहीं है ये, लीडरशिप के नाम की तोहीन है, ये करप्शन का एक अलायंस है। करप्शन करप्ट लोगों को मैं लीडर नहीं मानता, ये सिर्फ करप्ट लोगों का एक अलायंस है, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी जॉब पर हो, कुछ भी हो, सिर्फ मुल्क को लूटना है। अपनी मादरे में लग, माँ को कौन लूटता है, अंदाजा लगाया माँ के कपड़े फाड़ रहे हैं 74,000। बिल्कुल नहीं, देखिए सर कुछ बिल्कुल आपकी बात जो है वो बिल्कुल सही है, और हम यही दुआ कर सकते हैं कि कुछ इन लोगों को अक्ल आए, और ये जहाँ के प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर और सेनेटर बने बैठे हैं उस मुल्क को ये बचाएं, क्योंकि ये मुल्क नहीं रहा तो ये कहीं के भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे, ना ही कुछ इनकी कभी इतनी कोई वैल्यू होगी कि कोई दूसरी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर इनको मुंह लगाए। अभी भी ना तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इन्हें कॉल कर रहा है, ना इंडियन प्राइम मिनिस्टर फोन उठा रहा है, लेकिन इनको फिर भी कोई शर्म नहीं है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? नहीं नहीं, मैं यही कह रहा था अल्लाह ताला माफी दे, दुआ करें पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, जल्दी फिर मुलाकात होगी, बहुत शुक्रिया।